नमस्ते और नमन संस्कृताय। सबसे पहले आज का ये पहला क्लास है, इसलिए संस्कृत का संकल्प हम दोहराएंगे। नगर नगर ग्रामे ग्रामे बिल सतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन बदने, जय तु चिरम कल्याणी। सत्य शील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जला गति सारा, चल चल कल कल प्रभ तु दिश दिश पावन संस्कृत धारा। नमः संस्कृताय। तो बच्चों, हम लोग एक लेसन पूर्व में तीन वीडियो हम लोग पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे भाग चार, और आज ये अंतिम वीडियो होगा इस पाठ का। आप लोग इस भाग चार को, पीछे के तीन भाग आप पढ़े होंगे वहां से, और आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से या ये परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कालिदास संस्कृत में महारत हासिल किए हुए हैं और उनसे संबंधित चैप्टर है, इसलिए इसे व्याख्या हुआ, संदर्भ हुआ या प्रश्न उत्तर हुआ, ये सब परीक्षा में अनिवार्य रूप से हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बार बार दोहराइएगा आप लोग। आइए हम लोग पढ़ते हैं, यही से पढ़ना था कि आश्रम वासनीं शकुंतलां निर्वण्य मनसि काम प्ररोह अनुभूय। देखिए लिखा है यहाँ दुष्यंत के चरित्र की बात की जा रही। जब राजा दुष्यंत आश्रम में रहने वाली शकुंतला को पहली बार देखता है तो उसके मन में एक उत्कंठा काम भावना जागृत होती है, शकुंतला से प्रेम, शकुंतला के प्रति प्रेम उसके मन में जागृत होता है। लेकिन उस राजाओं के, चूंकि राजपुत्र था तो उसके अंदर सबसे पहले वो अपने जाति वंश इन चीजों का विशेष ध्यान लग देते थे कि कहीं ना ऐसा ना हो कि हम जिससे प्यार कर बैठे या जिससे हमारे मन में प्रेम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे कुल के विपरीत की कन्या हो। तो प्राचीन काल में इसका विशेष महत्व दिया जाता था कि हम अपने कुल के विपरीत विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जितना जरूरी या जितना तवज्जुब लोग इस काम भावना प्रेम आदि को देते थे, उससे ज्यादा तवज्जुब लोग अपने वंश गोत्र आदि को देते थे, जो आज नहीं है। आज के समय में आप देखेंगे कि जगह जगह पे आए दिन पेपर में न्यूज में आया कि पता चला कि कोई ब्राह्मण कन्या किसी मुस्लिम के साथ भाग गई, कोई मुस्लिम कन्या किसी क्षत्रिय लड़के के साथ भाग गई, तो इस तरीके का बाद में पता चला, कोर्ट मैरिज हो गया, विवाह हो गया। तो यहाँ कुल के विपरीत इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता था पहले। तो ये चीज कालिदास जी ने दुष्यंत के माध्यम से, एक दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, उसके माध्यम से इन चीजों का दुष्यंत के मन में तब तक शकुंतला से विवाह करने की इच्छा नहीं जागृत हुई जब तक वह उसके गोत्र का पता नहीं लगा लिया कि ये वास्तव में इससे मेरा विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखा भी है भाई कि आश्रम वासनी शकुंतलाम निर्वणे, करे कि आश्रम में निवास करने वाले शकुंतला से विवाह करने का जो मनस माने मन में काम प्ररोह अनुभूय, कह रहे हैं कि मन में इच्छा तो हुई, कामना तो हुई कि बहुत अनुपम सुंदरी है, प्रेम भावना तो जागृत हुई राजा के अंदर, दुष्यंत के अंदर। लेकिन आगे फिर लिखे हैं कि दुष्यंत तावत छिन्नम ना लभते, दुष्यंत तब तक दुष्यंत के मन में ये भावना नहीं आई कि हम इससे विवाह करेंगे, जब तक कि यावत्ता नाम, यावत्ताम लिखा है कि जब तक कि वो
ना अवैत माने नहीं जान गए कि अयम दुहिता, दुहितेयम लिखा है, अयम दुहिता माने यह जो पुत्री है, यह विश्वामित्र, यह विश्वामित्र की पुत्री है और एक क्षत्रिय कन्या, मतलब दुष्यंत भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। तो जब तक वो ये नहीं जान गए कि ये एक क्षत्रिय कन्या है, विश्वामित्र की पुत्री है, तब तक उनके अंदर ये भावना नहीं आई। तो प्राचीन काल में इन चीजों का बहुत ज्यादा रोल होता था। आज के समय में विवाह होता है, क्या पता कन्या बनने बैठाया जाता है, नहीं बैठता है, या अनेक प्रकार के पत्रा दिखाया जाता है, गुण बैठाए जाते हैं, तो नहीं बैठता है तो भी पंडित जी से लोग बात कर लेते हैं, पंडित जी कहते हैं हाँ ठीक है बैठ गया, विवाह हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं ये हमारी जो भी पूर्व की परंपराएं हैं उनमें कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है, तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। लिखा कर्ण अनुज्ञान बिना, क्या लिखा है कि कर्ण अनुज्ञान बिना, कि कर्ण की राजा कर्ण, महर्षि कर्ण थे, कर्ण के बारे में आप जानते हैं वो कौन थे, शकुंतला के पोष्य पिता थे, मतलब शकुंतला को तो मेनका जंगल में छोड़ के चली गई थी, कर्ण स्नान करने जा रहे थे, रास्ते में देखा अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के द्वारा उसको घेरा हुआ था, उसकी रक्षा की जा रही थी, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ कैसी भीड़ है, तब वो पाए कि ये एक सुंदर कन्या है, वो उठा के ले आए और अपने आश्रम में उसका पालन पोषण किए। तो लिखा है कि दुहिते अयम इति, दुहिते अयम इति लिखा है, दुहिते मतलब दुहिता अयम इति माने यह जो दुहिता माने पुत्री है, और किसकी, विश्वामित्रस्य माने विश्वामित्र की, यहाँ से कण्व कण्वस्य अनुज्ञां बिना माने कण्व की आज्ञा के बिना, गांधर्व विधिना कृतः विवाह है, गांधर्व विधि से किया गया जो विवाह है वो उभवाक माने दोनों के, तावत दोनों को तावत प्रताड़ित माने तब तक प्रताड़ित करता रहा, यावद एकतः जब तक कि शकुंतला मारीच आश्रमेण मतलब शकुंतला महर्षि मारीच के आश्रम में तपहचरेण अवज्ञाम जनितम कलसुम न छाले, जब तक कि वह महर्षि मारीच के आश्रम में तपश्चरणेन अवज्ञाम जनितम कलसुम न छाले, जब तक कि कलुष माने उसका जो पाप है पूर्ण रूप से महर्षि मारीच के आश्रम में धुल नहीं गया, तब तक ये प्रेम उसके उसको उन दोनों उस शकुंतला को प्रताड़ित करता रहा। क्योंकि कहानी आप जानते होंगे कि ऋषि महर्षि के मुख से निकली हुई वाणी झूठी नहीं होती थी, इसी क्रम में दुर्वासा शकुंतला को श्राप दिए थे, कहानी बहुत लंबी है, दुर्वासा शकुंतला को श्राप दिए थे कि जिसके लिए तू मुझाए तपस्वी का तिरस्कार कर रही है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वो तुम्हें कभी भूल याद नहीं करेगा, जबकि दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया था। गांधर्व विवाह का मतलब क्या होता है, प्रेम विवाह, जिसको आज के समय में लव मैरिज बोलते हैं। तो यहाँ तक उसको उसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और लिखा है कि अपरतः माने दूसरी बात तो ये है कि दुष्यंत के द्वारा अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति, और कह रहे हैं कि बहुत जब शकुंतला की दोनों सखियों ने जाना कि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, तो वो बड़ी अनुविनय कहती है प्रियंवदा उनसे दुर्वासा जी से, तो कहते हैं जाओ उसके द्वारा दिया गया कोई अगर उपहार होगा उसको जब राजा को दिखाओगे तो हमारे साप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो वो यही पे बढ़ वो तो उन्होंने क्या दुष्यंत जब विवाह करके अपने राज्य को जा रहा था गांधर्व विवाह करके, तो उसने शकुंतला को भेंट के रूप में एक अंगूठी दिया था, तो वही लिखा दुष्यंत अंगुलीय लाभेन, कि दुष्यंत को अगर अंगुली माने होता है अंगूठी, तो दुष्यंत के को अगर वो अंगूठी लाभिन माने प्राप्त होने पर लब्ध है स्मृति,
माने क्या स्मृतियां उसकी याद आ जाएंगी उसको, तब उसको याद होगा कि हम कभी शिकार करने गए थे, वहाँ कर्ण के आश्रम में गए थे, वहाँ एक बहुत सुंदर स्त्री थी, उसका नाम शकुंतला था, उससे हमने विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था उसे, तब ये सारी बातें याद आ जाएंगी उसको। सतह भीषम पीड़िया पीड़िया में प्रायश्चित तागनऊ आत्मशुद्धि ना हो। और देखिए लिखा है कि सतह भीषम पीड़ियान, भीषम माने बहुत अधिक, पीड़ियां माने कष्टदायक, प्रायश्चित कह रहे हैं कि यह प्रायश्चित जो शकुंतला को काफी दिनों तक करना पड़ा आत्म, और कह रहे हैं आत्मशुद्धि ना हो, तो कह रहे हैं कि इस प्रायश्चित से आत्मशुद्धि उसकी नहीं हो पाई, प्रायश्चित करने से इस साप का प्रभाव दूर नहीं हो पाया, बल्कि जब उसको वही राजा के द्वारा दी गई अंगूठी दिखाई गई तब उसका प्रभाव दूर हो गया। तदंतरम इसके बाद तयो माने ये दोनों दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, दोनों में दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, पुत्रौ लब्धौ च परिणमति। कह रहे हैं दोनों जब अंगूठी राजा ने देखा तो शकुंतला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और तयो दाम्पत्य प्रेम और उनके द्वारा जो पति पत्नी का प्रेम है वो निष्कलुषम भवति, मतलब कलुष माने होता है पाप, कर्णिस कलुषम माने पाप से रहित होता है, और पुत्र लब्ध ऊंचा परिणमते, परिणमते माने परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसको सर्वदमन जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, सर्वदमन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। और रघुवंश से कालिदास, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोत, रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार से किया है यथा जिस प्रकार से भारतीय जनजीवनस्य, जिस प्रकार से भारतीय जनजीवन का, जनजीवन के उदात्त दर्शनानां माने उदात्त दर्शनों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत, माने ठीक प्रकार से दिग्दर्शन होता भवेत माने होना चाहिए, मतलब रघुवंशी राजाओं का बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया। रघुकुल लिखा है, रघुकुल अजा माने रघुकुल में उत्पन्न राजाना माने राजा सभी राजाओं का प्रजा क्षेमाय बलिम आहरण, कह रहे हैं कि प्रजाओं के लिए क्षेम मतलब प्रजाओं के कल्याण के लिए अपने मतलब बलिदान बलि ने उछावर करने वाले राजा हुए रघुकुल में। मित संयम भाषिर थे, और कह रहे हैं कि वो मतलब मित संयम भाषिर मतलब कह रहे हैं कि उनके द्वारा मुख से कोई भी बात बोली जाती थी तो वो संयमी बात होती थी, मतलब वे बाचाल नहीं रहते थे और सदा सत्य निष्ठा माने हमेशा सत्य का पालन करने वाले थे। यश कामाह थे तदर्थ प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन, कह रहे हैं कि यश की कामना से यश प्राप्त करने के लिए प्राणान अपि त्यक्तुम माने वे अपने प्राणों को भी त्याग देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। केवल संत्यर्थे केवल कुछ ही ते गृहम गृहम एधिनो बहु, लिखा है गृहम एधिनो बहु, कह रहे हैं कि कुछ ही ऐसे थे जो गृहस्थ हुए, कुछ ही राजा ऐसे थे जो गृहस्थ रहे, नहीं तो सब ईश्वर भक्ति में सबका वो था मतलब निष्ठा थी। सैसवे विद्यार्जन शिशुकाल में विद्यार्जन यवने रंजनम वर्धवाक्य मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम तेषां व्रतम आसीत, कह रहे हैं इन सभी राजाओं का शिशुकाल में विद्यार्जन, और कह रहे हैं युवावस्था में रंजनम वार्धवाक्य मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम, कह रहे हैं कि जब ये युवावस्था में आते थे तो वार्धक्य वार्ध माने बढ़ाना, वार्धक्य मुक्त्यर्थम माने मुक्ति अर्थ से मुनि वदाचरण माने मुनि के द्वारा जो बोला जाता था, मुनि के द्वारा सिखाई हुई वाणी उनके द्वारा, तेषां व्रतम आसीत माने मुनि के द्वारा जो उपदेश उनको शिक्षा काल में दिया जाता था वही उनका व्रत था, उसका वो पालन करते थे। बाल वृद्ध वनिता आदि नाम, कह रहे हैं चाहे बालक हों चाहे वृद्ध हों चाहे स्त्रियां हों, यदा आचरणम
जैसा आचरण कालिदासस्य काव्ये निरूपितम्, कालिदास जी ने अपने काव्य में निरूपित किया है, तद सर्वथा उसका हमेशा भारतीय संस्कृत गौरव अनुरूप में हो। वह हमेशा भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप है। मतलब जैसा आचरण किया गया राजाओं के द्वारा बच्चों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, वृद्धों के प्रति, मतलब जो भारतीय संस्कृत में लिखा गया वही चीज, उस प्रकार का आचरण रघुवंशी राजाओं के द्वारा किया गया। लिखा है आहि भवतः सिंधु बेलाम यावत विकीर्णता विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिस उपनब्धा। देखिए लिखा है आहि भवतः सिंधु बेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव, कह रहे हैं कि सिंधु बेलाम मतलब जब तक सिंधु बेला विकीर्णा मतलब पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाएगी, भारत गौरव गाथा भारत के गौरव की गाथा कालिदासेन माने कालिदास के द्वारा अपनी कृतियों में उपनिबद्ध कर दी गई है। मतलब कह रहे हैं कि जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह भारतीय संस्कृत रहेगी, भारत रहेगा, तब तक कालिदास के अपने कृतियों में भारत की गौरव गाथा का वर्णन रहेगा और उसका सभी लोग उसको पढ़ेंगे। और सिंधु बेलाम मतलब समुद्र तट पर, यावत विकीर्णा माने कह रहे हैं कि जब तक समुद्र तट पर विकीर्णा है माने विकीर्ण मतलब फैली हुई जो भारत की गौरव गाथा है वो कालिदास ने अपने कृतियों में निबद्ध किया है। रघुवंश में मेघे मेघदूत में कुमार संभव, जानते हैं आप कुमार संभव क्या है, महाकाव्य है। जब भारत देशस्य विविध भूभागा नाम और भारत देश के विभिन्न भूभागों में गिर कानना आदि नाम करें पर्वत और जंगलों में यात्रिक स्वाभाविक मनोहारी जंगलों का करें इस प्रकार का स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण लभ्यते माने प्राप्त होता है। स्वचक्षुषा अनावलोक्य जिसको आप अपने आंखों से तो नहीं देख सकते, तद संभवम अस्ति कह रहे हैं, जिस ऐसा वर्णन चित्रण इन्होंने किया जिसको आप अपने आंखों से नहीं देख सकते लेकिन पढ़कर महसूस कर सकते हैं। तथा विधम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तस्य देश प्रेम है माने उनका जो देश प्रेम था कालिदास जी का, तस्य काव्य उत्कर्ष समुद्रयति मतलब उनके काव्य को उत्कर्ष पर पहुंचाता है। और लिखा संतु होवे तत्र अनल्पाह संस्कृत कवे, अनल्पाह माने कि अल्प माने थोड़ा, अन माने नहीं, जो थोड़ा ना हो, अर्थात संतु तत्र मतलब वहां पर होवे अनल्पाह माने बहुत अधिक मात्रा में क्या संस्कृत कवे है, माने कह रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में संस्कृत कवि होवे किंतु कश्यापि कालिदास हुए माने हुए और किंतु कश्यापि कालिदास साम्य नास्ति लेकिन किसी का कालिदास से कोई साम्य नहीं मिलता, मतलब उनके जैसा कभी कोई नहीं हुआ। और क्या लिखा साधुक्तम इसीलिए सज्जनों के द्वारा कहा गया है कि निश्चित कालिदास अनुरागिणा, कालिदास के किसी प्रेमी ने ठीक ही लिखा है कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंग, प्राचीन काल के कवि नाम माने कवियों में गणना प्रसंगे जब हम गणना करते हैं मतलब क्रम से रखते हैं उनकी महानता उनकी रचनाओं के आधार पर, तो कनिष्ठिका आदि तिष्ठति कालिदास, तो कालिदास कहाँ पर बैठते थे, कनिष्ठिका के पास वाली उंगली पर बैठते थे। ध्यान दीजिए जब प्राचीन काल में कवियों में कालिदास की गणना होती थी तो इनका स्थान कहाँ था, पांचवा स्थान था, मतलब सबसे निम्न। लेकिन अद्यपि आज तो तत्तुल्य कवि कह रहे हैं कि आज तो उनके जैसा कवि भावाद अनामिका सार्थवती भव, आज इनके जैसा कवि कहाँ पर, अनामिका और इस उंगली पर मतलब सर्वोच्च स्थान पर उनकी गणना की जाती है। मतलब आज के समय में कालिदास जी का जो स्थान है वो सर्वोच्च है।
तो बच्चों ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है, और इसमें थोड़े बहुत दो चार प्रश्न और बचे हुए हैं, बाकी हमने जो है दे दिया है लिख करके पीडीएफ के रूप में। तो अभी मैं थोड़ा बहुत दो चार प्रश्न इसमें से और पीडीएफ के रूप में लिखूंगा। आप सभी लोग देखिए, ये जो लेसन है प्रश्न नंबर 1 और 2 है, ये आप लोगों को खुद करने के लिए है। इसको हम पीडीएफ के रूप में लिख के देंगे, ये काफी दिक्कत की बात है पूरे लेसन को लिखना। तो आप लोग इसको क्लास वर्क की कॉपी पर लिखेंगे, पहले संकेत लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, और फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो ये देखिए कुल मिला के 8-10 पैसेज हैं, इनको आप सभी लोग स्वयं कक्षा कार्य की कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।